संचारी रोग नियंत्रक दस्तक अभियान का सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में विधिवत उद्घाटन नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल तथा जिलाधिकारी के विजयन पांडियन द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा जागरूकता वैन तथा स्वच्छता सैनिटाइजेशन टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा 150 आशा एवं NM को PPE किट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा कोरोना संक्रमण के सर्विलांस अभियान 5 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित होगा। नगर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी हेतु निरंतर प्रयासरत है तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन चिकित्सकों एवं दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है ताकि इलाज व दवा के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु न होने पाए। उन्होंने कहा कि यदि एंसेफेलाइटिस मरीज का त्वरित इलाज प्रारंभ हो जाए तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता हेतु अंतरविभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है जिससे विभिन्न विभाग सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के दृष्टिगत इस बार सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मूल मंत्र भी सिखाना होगा। हमें अभिभावक की तरह लोगों को जागरूक करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस समय JEE-AS का भी प्रकोप प्रारंभ हो जाता है, इसलिए लोगों को JEE-AS से बचाव के लिए भी जागरूक करने के साथ ही बुखार होने पर तत्काल जिला अस्पताल, ETC सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराएं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी एवं अपर निदेशक स्वास्थ्य JM त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा अभियान के विषय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया। संचारी रोग नियंत्रण मामले के बारे में काफी कुछ जानते हैं।
इस बार थोड़ा सा फर्क है, एक तारीख से 31 तारीख तक चलेगा। उसमें थोड़ा फर्क ये है कि आप शायद जाएंगे तो दूरी मेंटेन करें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये हमेशा हमेशा आपको कार्य करते वक्त याद रखना है। आप दूरी बनाते कोई भी संक्रमण कारक का जो रहेंगे तो दूरी बनाते हुए मास्क पहनेंगे करेंगे। पहले आप बैठकें करती थी, सांसों से मिलन करती थी, माताओं की बैठक करती थी, उसमें भी दूरी का ख्याल रखते हैं। अगर बैठक करनी है बहुत सारे बैठकों को नहीं भी करना है वो आपको वीडियो फ्री होगी लॉ के रूप में जो सब बताया गया होगा। स्कूल बंद है इसलिए छात्रों की जो रैली निकलती थी शिक्षा विभाग को अब वो रैली नहीं निकालती है, लेकिन उनके टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग, बच्चों की ऑनलाइन जागरूकता ये चालू रहेगी। अन्य विभाग जो 12 विभाग हमारे साथ मिलकर संचारी रोग अभियान नियंत्रण अभियान में काम करते हैं वो सारे विभाग का दायित्व मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश से जारी हो चुका है। सब अपना अपना काम करेंगे, जैसे पंचायती राज विभाग अभी वो साफ सफाई का काम करेंगे, हैंडपंप्स जो उपले हैं उन पे रेड मार्क किया जाएगा, जो डीप बोर है वो ठीक है, अगर डीप बोर करना है उसकी रिबोनिंग होगी वो विभाग उसको करेंगे। एक नया शासनादेश और हुआ है जिसमें डीपीआरओ की तरफ से हमारे जो टीमें हैं उनको इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर और पल्स ऑक्सीमीटर ये मुहैया कराया जाएगा और वो 5 तारीख से पहले मुहैया हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने उनको निवेदन किया है पर उन्हें भेजा है। ध्यान में होना चाहिए कि हमें उतनी दूरी मेंटेन करके थोड़ी देर भले हो जाए कार्य करना है, अन्यथा स्वास्थ्य विभाग सबसे वल्नरेबल ग्रुप है जिसको ये बीमारी पकड़ सकती है, क्योंकि हम उनके पास काम करते हैं ये पता नहीं है कि उनके अंदर कोविड का वायरस है कि नहीं। 80-90% लोग बिना सिम्टम के होते हैं, हमारे आपके अगल बगल घूमते हैं पता नहीं होता, इसलिए हमें ये सोच के रखना है कि हम 2 गज की दूरी पे काम करें, बना के दूरी काम करें। 15 तक ये चलेगा, 5 से 15 और 16 तारीख से 31 तारीख तक आपका दस्तक अभियान चलेगा, जो पहले जैसे दस्तक अभियान चलता था जिसमें आप काम करते थे वैसे ही करेंगे। 10 दिन का ये विशेष अभियान कोरोना से लेके है जिसमें कि देखिए सर्वेलेंस जो होता है, जो आप जाके डेटा कलेक्ट करते हो, आप जाके पूछते हो कि किसी को बुखार खांसी जुकाम तो नहीं है, कोई बाहर से आया है उसको क्या समस्या है, कितने दिन पहले आया है, ये सारी चीजें जो जानकारी इकट्ठा आप करेंगे इससे बहुत लोगों की जान बचेगी। सबसे जरूरी ये है कि जो जरा भी सशंकित लगे जिसमें कोरोना के ये 4 लक्षणों में से जो भी लक्षण दिखें उसको रेफरल बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द आप अपने MOIC को बताएं, वो 108 से जितनी जल्दी उसको चिकित्सालय भेज देंगे उतनी ही जल्दी उसका उपचार शुरू होगा और उसके ज्यादा गंभीर अवस्था में जाने से वो बच जाए, क्योंकि 80-90% लोग एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक हो रहे हैं। गोरखपुर में 340 केसेस आए जिसमें हम 234 को ठीक करके भेज दिए बिना किसी दवा के, कभी पैरासिटामोल दिया, कभी विटामिन की दवाई दी, खाना उनको ठीक दिया, पानी उनको शुद्ध दिया, इससे वो ठीक होकर चले गए। तो डरने की बात नहीं है, 12 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, परंतु समय से रेफरल जरूरी है। 1-2-4 कैजुअलिटीज उनके याद में जो हुई हैं वो डिलेड रेफरल मैं कहूँगा होने की वजह से हुई है, अन्यथा हम उन्हें भी बचा लेते। तो ये 3 कार्यक्रम संचारी रोग नियंत्रण माह 1 तारीख से 31 तारीख, 5 तारीख से 15 तारीख आपको कोविड के लिए विशेष सर्वेलेंस अभियान में जुटना है, काम करना है। कंटेनमेंट जोन उसमें जो बनते हैं जहाँ केस निकल आता है उसके अराउंड 250 मीटर कंटेनमेंट जोन होता है, और ज्यादा केसेस है तो 500 मीटर कंटेनमेंट जोन होता है, उसमें कुछ विशेष कार्य और करने हैं वो आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा, बहुत विस्तार से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो
ये कार्य उन सब जब आप करें तो अपना अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, उसका ध्यान रखें। हम लोग JEES प्रोन जिले हैं और ऐसा नहीं है कि कोविड अगर आ गया है तो JEES के वायरस या उनके संक्रमण को मना कर देगा, नहीं होना है, वो भी होना है और उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, इसलिए आज से इसका शुभारंभ हो गया है। और इतनी मेहनत के बाद हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग और हमारे 12 विभाग हमारे साथ जुड़ के सहयोगी विभाग कार्यक्रम किए हैं। पिछले 3 वर्षों में इतनी अच्छी उपलब्धि हुई है कि जिसे माननीय मुख्यमंत्री ये बार बार सराहते हैं, और रशा गए थे तो वहाँ भी उन्होंने कहा था और लोगों ने पूछा भी था कि इतनी बड़ी बीमारी, 50 वर्षों की बीमारी, कैसे आपने इतना कंट्रोल कर लिया कि जहाँ 1200 1300 800 900 डेथ होती थी वहाँ आपके यहाँ 5 और 6 डेथ पे आ गए। इसे हमें बरकरार रखना है। एक कहावत भी है, आप लोग हमें बताते हैं कि हर 3 वर्ष पर JEES का प्रकोप बढ़ जाता है, तो हमने जो कुछ किया धरा है पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में, ऐसा ना हो कि हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े और जिले में फिर से चीजें बढ़ जाए। अगर हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको दें, 2017 में 817 केस हुए थे AS के और 115 डेथ हुई थी, 2018 में कम हो गए आधे, 435 AS के केस हुए और केवल 41 डेथ हुई, 2019 में 262 AS के केस रिपोर्ट हुए और 15 डेथ हुई, और पिछले वर्ष विगत वर्ष में 13 में से 4 डेथ हुई। और JEE की डेथ के बारे में अगर हम करें तो वो अभी तक 0 है, 8 पहले हुई थी, 17 में, 18 में 2 और 19 में 5, यानी आंकड़े बता रहे हैं कि हम 70-80% डेथ को रोक लिए AS के और JEE के। कैसे? ये 12 विभाग मिलके और हमारे स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई, हम नोडल होते हैं विभाग, स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल है, इनकी अगुवाई में आप सबकी मेहनत से जो हमारे सामने बैठी हैं आशाएं और आंगनबाड़ी अगर इसमें हैं, इनकी मेहनत से हम इसको पाए हैं और ये हमें बरकरार रखना है। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपना बचाव करते हुए, कोविड को देखते हुए जो बचाव के उपाय हैं उनको अपनाते हुए पूरे तन्मन से काम करिए और लोगों की जान बचाइए, लोगों के बच्चों की जान बचाइए। AS में अक्सर बच्चे इसमें चपेट में आते हैं, उनकी जान बचाएं तो आपको जो प्रसन्नता मिलेगी, गोरखपुर को जो कामयाबी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद से आप जाके अपने क्षेत्र में बचाव के साथ ये सारे काम करें। थैंक यू। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान हम लोग पिछले सालों से कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारा अभियान है JEES और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया इस पूरे प्रभावित इलाके में। तो इस वर्ष के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है पूरा महीना हमारे लिए जुलाई का, क्योंकि 3-3 अभियान, जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि 3-3 अभियान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे समय को देखते हुए, जिसमें कि कोविड है, जिसमें JEES का संचरण शुरू होता है, अन्य बीमारियां शुरू होती हैं। तो इस पीरियड में जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है और पिछले वर्षों में जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं उनको बरकरार रखना और बेहतर बनाना, और खास करके जो इसमें एक प्रोग्राम डाला गया है कोविड का अभी सर्वेलेंस के लिए, जो कि घर घर जाके हर आदमी से बात करके और उसके लक्षण को देखना और उसे आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, उसमें को मॉर्बिडिटी का पता लगाना, मास्क पहनने का, हाथ धोने का, हर चीज से कोविड से बचाव की शिक्षा देना, ये भी एक 10 दिन का प्रोग्राम हमारे इस महीने में शामिल है। ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ साथ ये बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हमको इस महीने में दी गई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि
सब लोग अवगत तो हैं, लेकिन अच्छे से मन लगा के इसमें अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि इसमें आप लोगों की सराहना मुख्यमंत्री जी के स्तर से और पूरे समाज के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग का और अन्य सहयोगी विभागों का जो हमें सहयोग मिल रहा है उसकी सराहना अच्छे तरीके से, फिर हमें पिछले वर्षों की बात ही जैसा हमें मिलती है, दो तीन सालों से मिल रही है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो ये और अच्छा हो जाए यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आदरणीय सदन विधायक राधे मोहन अग्रवाल जी, मज्जा सिंह नेगी साहब, सी एम ओ साहब, और यहाँ स्वास्थ्य संबंधित आए हुए सभी साथियों सदस्यगण। जैसे आप जानते हैं 1 जुलाई आज डॉक्टर दिवस भी है, मैं सभी डॉक्टर को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आप लोग इतने जान बचाए, भगवान के बाद आप ही के नाम लेते हैं, जनता भगवान का इतने श्रेय जाता है, उतने श्रेय ये समय में महामारी के कारण आपको मिलता है। और आज ये संचारी रोग नियंत्रण प्रारंभ करने की तारीख भी है, अब जानते हैं बरसात एडवांस में हो गया है, और आज हमेशा हम लोग तो ये बड़ा भव्य कार्यक्रम के रूप से मनाते थे, याद होगा हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी इसी भी आ जाते हैं, तो प्रभारी मंत्री जी ने तो बड़े स्केल में हम लोग कार्यक्रम कराते हैं ताकि इसको जानकारी सबको पहुँच जाए। इस समय में हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करा पाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से कोरोना का संकट में ज़्यादा हम लोग बड़ी स्केल में नहीं करेंगे, बट इस समय में कितने सीरियस के साथ हम लोग हमेशा करते हैं उससे दोगुना सीरियस में हमें काम करना होगा। उसको दो मुख्य वजह है, इस बार बरसात एडवांस में हो गया है, उसी की वजह इस बार बाढ़ की स्थिति बढ़ेगी, पानी का जल जमा होगा, संक्रमण रोग का बढ़ावा अपने आप हो जाता है। ये हम लोग का पिछले 2 साल में उतने ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, उसी अपेक्षा में इस बार बारिश बहुत भयंकर हुआ है, होते होते सितंबर अक्टूबर में ज़्यादातर JEE केस निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार, इसलिए हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है। पिछले 2 साल हम लोग का 90% से ऊपर गिरावट हो गया, अब फिर गिरावट होगा, ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, संचारी रोग में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते हम 100% उसको काबू कर पाएंगे, कितने हम प्रोएक्टिव काम करते हैं, कितने दौड़ भाग करके पहले ही हम तैयारी करते हैं, उसी का सफलता मिलता है, इसलिए तो कभी भी वो सीरियसनेस है इस अभियान का कतई कम नहीं होना। दूसरा है कोरोना है, इस समय में कोरोना की वजह वैसे ही मूवमेंट कम है, उसी की वजह हमारा रीच है, तो पहले हम लोग फेरी निकल देते हैं गाँव में जाके, फिर बच्चे जा करके गली गली में बताते हैं, और फिर हर संगठन का हम लोग तमाम कार्यक्रम कराते हैं, नुक्कड़ सभा होता है हम लोगों का, फिर प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का चलता है, उसमें उतने स्केल में नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ कोरोना भी एक संक्रमण बीमारी है, हो सकता है कुछ लोग दोनों से भी पीड़ित भी हो सकते हैं, एवं हमारा जो कितने भी फ्रंटलाइन वर्कर है, यानी 4,000 लोग सबको दो दो PPE की टन दे देंगे, रीयूजेबल है, आप आराम से धो के फिर दोबारा पहन सकते हैं, फिर मास्क और हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स इत्यादि आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो कमी होता तो CEO साहब से ले लीजिए, तो कलेक्ट्रेट में आके अच्छे ले सकते हैं, ताकि हम तो लड़ने वाले हम लोग का जो कवच होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और साथ साथ कोरोना को भी जानकारी आपको देना है जनता को। वैसे तो पिछले 4-5 महीने में बहुत सारे माध्यम के तौर से सबको पहुँच गया, बट ये लोग कभी कभी वैसे हो जाता है, लताजी हो जाता है, अपने आदत से कोशिश करता है वो, मतलब वो जाने अनजाने में छोड़ देता है, खासतौर पर देख सकते हैं तो पिछले महीने हम लोग का मास्क लगभग सभी लोग पहन रहे थे, इस बार तो उसी का गिरावट आ रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग शुरुआत में अच्छा था, फिर धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप भूल जा रहे हैं, उसी की वजह से संक्रमण फैलते जा रहेगा, इतना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उतनी तेजी से बीमारी फैलेगी। और ये भी बता दूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेट है फैलने का वो भारत में ही ज़्यादा है, 3.5 रेशियो है, मतलब मान लीजिए एक आदमी संक्रमित होता है तो वो 4 आदमी को जल्दी चपेट में ले लेता है, बट अमेरिका में 1.5 और बाकी देश हमसे कम है, ब्राज़ील में 3.2 समथिंग है, मतलब यहाँ का संख्या ज़्यादा है, ताकि हम लोग आदतन साथ ही जाते हैं, सब लोग साथ ही आते हैं किसी भी कार्यक्रम में, जो स्कूल जाना है बाजार जाना है आदतन हम किसी के साथ ही जाते हैं, किसी के साथ ही आते हैं, और हम लोग को मज़ा आता है किसी के तो प्रोग्राम में जाने में, किसी शादी में जाना है, किसी गम में जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, ये तो हम लोग का कल्चर में आ गया, खून में आ गया, बट यही हम लोग का खतरा बन गया, अब ये तो बहुत पुरानी आदत है, इसको हम
कम से कम तो 6 महीने मान के जाए ये व्रत रखना है इसीलिए तो भी बात है, ताकि जो कल प्रधानमंत्री जी भी संबोधन में बताएं आप लोग कितने लोग सुने हमने पता है 4 बजे संबोधन किए थे और रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधन किए। अब इसी महीने से सारे त्यौहार भी शुरू हो जाता है, सावन महीने 6 तारीख से शुरू होता है, इसलिए इस बार कोशिश कर रहे हैं कांवड़िया कम से कम निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा। और कहीं मंदिर में तो शिव मंदिर में भीड़ भाड़ होता है उसको भी हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, और साथ साथ सभी त्यौहार शुरू होता है, भले नवरात्रि का है और दिवाली का है और जो भी जितने भी त्यौहार है सब त्यौहार आज से गिनती शुरू हो जाता है, वो चलेगा तो जनवरी तक चलेगा पूरा, बट इससे बेहतर होगा इसी टाइप का वायरस को नहीं मिलता है, थोक में बीमार हो जाते हैं लोग। पेपर पे पढ़े होंगे आप तो अगर बिहार में पटना में एक शादी में गए, एक शादी में जो दूल्हा दूल्हे ने अगर तो वायरस था वो 100 लोगों का फैल गया और वो लड़का है सीरियस है, बचाना मुश्किल है। अब पता नहीं लोग उनका शादी मनाने के लिए तो मनवाने के लिए अच्छा ये तो इतने बार सरकार कहने के बाद भी लापरवाही करने का तो खुद भोग है तो दुखी क्या है, तो अपने जीवन ठीक है लापरवाही से हुआ तो बात अलग है, साथी लोग का लेके जा रहा है इससे ज़्यादा खतरा क्या हो सकता है, हो सकता है जाने अनजाने में कला, इसलिए तो हम लोग का रोल बहुत जरूरी है ना, ये समझाना पड़ेगा हम लोग अभिभावक जैसे समझाना पड़ेगा हर व्यक्ति को भाई ये तो वाकई में खतरा बहुत खतरा वाली बीमारी है, अभी तो कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, उसके कैसे सामना करना है ताकि उसके साथ साथ और काम भी हमें करना है, आर्थिक गतिविधियाँ भी चलाना है ताकि रोजी रोटी का भी सवाल है, अपने अपने काम धंधा भी कराना है और बाकी मामूली बुखार भी होते हैं लोग मुझे वो होता उन लोगों को इलाज करना है, किसी का डायबिटीज है किसी का शुगर है उनका भी इलाज होते ही करना है, हम ये बीमारी के डर के वजह ऐसे नहीं तो उसी के वजह और दूसरा समस्या खड़ा हो गया, हम लोग को चुनौती तो है बट हम फिर भी सावधान से करेंगे, जन आंदोलन के रूप से उसको परिवर्तन करेंगे, बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। गोरखपुर हम लोग का एक उदाहरण है, मैं तो 2.5 साल पहले जाएंगे तो उस समय में BRDP की घटना हुई थी, बहुत बच्चे मरे थे हम और हर साल हजारों संख्या में बच्चे मरते थे हम, वो ये चुनौती था मेरे सामने और मार्गदर्शन भी मुख्यमंत्री के जरिए से मिला है, सारे डिपार्टमेंट मिल करके हम लोग चलाए अभियान दस्तक अभियान कि पूरे देश विदेश में सब लोग हम लोग को मॉडल कॉपी कर रहे हैं, यानी सभी लोग मिल के अभियान चलाए कि एक ही नारा हम लोग लगाया था इस मौसम में 18 साल के नीचे कोई भी बच्चे बुखार हो जाता है बीमार पड़ जाता है कोई लापरवाही नहीं बरतना है, सीधे उठा के उनका PSC में लिया एक ही मूल मंत्र उसको रटवाना भाई, तो बस लोकल में किसी से इलाज नहीं करना है, आप खुद भी इलाज मत करो किसी झोला जाप से लेके मत जाओ, दवाई दुकान से दवाई मत करो, 24 घंटे के अंदर 18 साल के नीचे कोई बच्चे का आज से बुखार चढ़ता तो तुरंत लेके भागो, 24 घंटे के अंदर यदि बच्चे कहीं PSC में पहुंच जाता हम लोग पास पूरा ट्रेनिंग करता है अपने जो ताकत का बढ़ता है ठीक है अच्छी बात है, बट इस समय में हम अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि हमें पहचानने में समय लगता है तब तक वो बच्चा फिर खतरा का आगे जा चुका है, इसलिए तो इस समय में एक ही मूल मंत्र मैं देता हूँ आपको हर जगह यही पहुंचाना है, बच्चा का 18 साल के नीचे किसी का भी बुखार होता है तुरंत लेकर के सरकारी अस्पताल जाना है, किसी प्राइवेट से मत जाना है, इतने करने में तो अच्छा खासा लोगों का हो जाता है नियंत्रण, बाकी विभाग अपने आप को काम तो करेंगे जैसे स्वच्छता इससे जुड़ा हुआ होगा ताकि AES का अभी भी हम लोगों के पास वैक्सीनेशन नहीं है, JEE का बोले वैक्सीनेशन AES क्यों है कैसे है अभी भी रिसर्च चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं चूहा का वजह होता है इस पर पेपर से वो ढूंढ रहे हैं वायरस किसी का वजह हो रहा है, उसका रिसर्च अभी भी चल रहा है 20 साल से रिसर्च चल रहा है अभी भी पहचान नहीं पा रहे क्यों बीमारी आ रही है कैसे आ रही है वायरस है कि बैक्टीरिया क्या है, तो बट इसके इतने संबंध तो है स्वच्छता का किसी बीमारी का सीधी संबंध है, इसलिए हम लोग खुले में सोच मुक्त अभियान हम लोग 6 लाख शौचालय और गोरखपुर जनपद में बनाए उसका असर कहीं ना कहीं बढ़ा है लोगों को और पॉलीथिन मुक्त भी कराए, उसी की वजह पॉलीथिन अभी तो बाहर कूड़े में नहीं मिलता है और कचरे में नहीं मिलता है नाला में नहीं मिलता, उसी की वजह जल जमाव कम हो जाता है, पहले से आप देख सकते हैं मच्छर का प्रकोप भी गोरखपुर में काफ़ी कम हुआ है, कहीं ना कहीं ये सारे AES JEE जो उससे बीमारी से कहीं ना कहीं सीधी संबंध है, इसलिए तो स्वच्छता का ऊपर हम लोग को झोल देते हैं गंबुजिया मछली भी
डालना है, वो शुगर का हम लोग चेक करके एक्सपेरिमेंट इसका कलीन करना है, वो सारे अपने अपने विभाग को करेंगे, पर मूल भूमिका अहम भूमिका हम ही लोग का है, यानी स्वास्थ्य विभाग का है। हम ही लोग को घर घर जाकर के समझाना है, जैसे JEE में कैसे समझाते हैं ऐसे ही कोरोना के बारे में भी समझाना है, दूर रह करके समझा दीजिएगा। हर व्यक्ति इस पर कोरोना वायरस में उसे लड़ना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ जंग लड़के जीत पाएंगे। जब तक इस शहर में मजदूर नहीं आए थे, बीमारी नहीं के बराबर यहाँ थी, एक आध बीमारियां भी हो जाती थी तो जैसे लगता था कि कितनी बड़ी बात होती है। अब इस देश की अपनी मजबूरी थी, वो मजदूर बाहर रहते थे, उनका जीवन दुभर हुआ था, उन्हें लाना भी जरूरी था। वो आए, उसके बाद थोड़ी बीमारी बढ़ी, लेकिन हमारे लिए इसमें भी ये सुखद बात थी कि हम पूरे देश का आंकड़ा जानने और देखने की कोशिश करेंगे तो शायद पूरे देश में सबसे कम बीमारी और बीमारी भी कम और बीमारी से होने वाली मृत्यु दर भी सबसे कम, इन दोनों का रिकॉर्ड अगर चेक किया जाएगा तो शायद अपना गोरखपुर जनपद इस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल जनपद की सूची में रखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को समस्याएं हुई हैं और आपको भी समस्याएं हुई हैं। आप में और उनमें अंतर यह था कि नागरिक घर में रहकर के उन समस्याओं को झेल रहे थे और आपको उन समस्याओं के बीच में से घर में निकल करके, घर से निकल करके लोगों के बीच में जाना था। और मैं समझ सकता हूं कि जब आप घर से उस समय निकलते रहे होंगे तो आपके घर में कैसा भयावह वातावरण रहता होगा और कैसा आपके ऊपर दबाव बनता रहा होगा कि नहीं, निकल करके गांव गांव में जाने की जरूरत नहीं है, कोरोना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप में और सामान्य नागरिक में और आप में और किसी अन्य विभाग के कर्मचारी में यह बेसिक अंतर रहा है। और आपके नाते वो स्थितियां पैदा हुई हैं जब आज हम गोरखपुर में फिर भी कह सकते हैं कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कोरोना को लेकर के मित्रों, अब तक तो हमें आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। यह जो पखवाड़ा आप मनाते हैं, संक्रामक रोग का पखवाड़ा है, आज भी देश में मलेरिया से 20 लाख लोग पीड़ित होते हैं, आज भी देश में 5,000 लोगों की मौत टीबी से होती है, आज भी 3-3.5 लाख लोग डायरिया से मरते हैं, आज भी अगर परसेंटेज निकाला जाए तो बच्चों में, चूंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं इसलिए कह सकता हूं, हमारी अपनी क्लिनिकों में आने वाले आधे मरीज ऐसे होते हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ब्रैंकियल एस्मा बच्चों वाले इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं, रहेंगी, हमको इनके बीच में रहना है, इनसे लड़ना है, इनके बीच में जीने की कला सीखनी है और वो सारी सावधानियां रखनी है जिससे बीमारी कम से कम बढ़े और बढ़े तो जीवन का खतरा कम से कम हो। और जैसा हमारे पहले CMO साहब और AD साहब और DM साहब कह रहे थे, इसमें आपकी भूमिका सबसे बड़ी है। मैं जब छात्र जीवन में था तो DM साहब हम लोगों के बच्चों के अस्पताल डायरिया के मरीजों से भरे रहते थे, सिर्फ डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन और डायरिया जनित इंकेफलाइटिस, आज की इंकेफलाइटिस नहीं, वो डायरिया के एक अलग प्रकार की इंकेफलाइटिस होती है जिसको हम लोग इंकेफलोपैथी कहते हैं। अगर अस्पताल में 100 बेड थे हमारे PHU में तो 80 बेड डायरिया, डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन और इंकेफलोपैथी के थे, आज वो देखने को नहीं मिलते। ये अगर कम हो गए हैं तो इसके पीछे सिर्फ डॉक्टर्स की सफलता नहीं है, आप सबकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, सरकार की भूमिका है, सारे सिस्टम की भूमिका है और उस सिस्टम में चूंकि आप सीधे स्वास्थ्य से जुटे हुए हैं इसलिए आपकी भूमिका है। अभी आप सुबह मेरे पास एक फोन आया, हरियाणा के एक बच्चे को इंसेफ्लाइटिस हो गया, वहां से नेता ने फोन किया
कि आप लोग गोरखपुर के लोग हैं, इंसेफ्लाइटिस बहुत होती है, हमें बताइए गोरखपुर में लाकर के किसको दिखा दें कि वो ठीक हो जाए। एक जमाना था जब गोरखपुर में इसी इंसेफ्लाइटिस से 2004-05-06 में 3,000, 3,500, 4,000 ऑफिशियल मौतें होती थी। रुचि देता हूँ, मैंने जाकर के वो सारे टाइम सेंटर, मेडिकल कॉलेज के ICU वार्ड, इन सारी चीज़ों को एकदम गहनता से देखने का काम किया है, और जहाँ गलती मिली है वहाँ जिम्मेदार लोगों को टाइट करने का काम किया है। और मुझे इस बात की गर्व की अनुभूति होती है कि शायद गोरखपुर ने अपने कोरोना के मरीज में जो सीरियस मरीज हुए जिन्हें भर्ती करना पड़ा उनको सर्वोत्तम मेडिकल सुविधा देने का काम किया है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज में मरने वालों की संख्या भी बहुत कम हुई। तो आपका ये जो काम है ये कोई नया काम नहीं, आपको कोई नई बात नहीं बतानी, घुमा फिरा करके शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा वही है। एक शरीर कोरोना का हो सकता है, एक टीबी का हो सकता है, एक मलेरिया का हो सकता है, एक मीजल्स का हो सकता है, डायरिया डिसेंट्री का हो सकता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का हो सकता है, काला दाग, अलग अलग नामों से बीमारी है, लेकिन सबके केंद्र में बात एक ही है, स्वच्छता। हम अगर स्वच्छता अपने हमको गाँव गाँव तक पहुँचाते रहते, लोगों के मन में इस बात का एहसास कराते रहते हैं, और इन्हें दुनिया के आंकड़े और भारत के आंकड़े बता करके यह समझाते रहते हैं कि हमारा गोरखपुर बचा है, तो प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग से भी और आपके सहयोग से भी, चूंकि आप स्वच्छता को लेकर जागरूक रहे हैं, इसलिए स्वच्छता अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और एक नई चीज जो जुड़ गई कोरोना के नाते, दो गज की दूरी है बहुत जरूरी, जो नारा मोदी जी ने दिया, हम उस नारे को मैं इसको असफल नहीं मानूंगा। आज से 6 महीना पहले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे मुंह में पता लगाकर चलेगा। शहर में कभी कभी 2-4 लड़के स्कूटर से मास्क लगा के चलते थे तो नॉर्मल दिखते थे, 2-4 लड़के दिखते थे, 2-4 विशेष रूप से लड़कियां कहीं कहीं मास्क लगा के निकलती थी तो नॉर्मल लगता। आज ये हमारे जीवन का हिस्सा हो गया, और मैं नहीं मानूंगा कि आपका सहयोग नहीं है, बहुत सहयोग है। ये सच है कि 100% तो कोई चीज नहीं होती, 100% तो बाबा रामदेव के पास के कोरोना रहना चाहिए, बाकी धरती पर कुछ 100% नहीं। लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, लोगों ने दूरी मेंटेन करना शुरू किया है। अब थोड़ा ये जरूर है कि जैसा डीएम साहब कह रहे थे, हम सब बहुत खुले मिले लोग हैं, मिल करके बैठ करके बात करना, हंसी मजाक करना ही हमारे गुरु का हिस्सा रहा है, हमारी पूर्वांचल की संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अगर देखा जाए तो हम बहुत जागरूक हुए हैं, इस जागरूकता को और बढ़ाने की जरूरत है, इसके प्रति लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। आपको PPE किट दिया जाने वाला है, तो वॉशिंग किट है, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि थोड़ी गर्मी तो लगेगी, लेकिन CMO साहब आप निश्चित करिए अपने आशा वर्कर्स को कि अगर हम उन्हें PPE किट दे रहे हैं तो वो पहन के जाएं, वो भले आगे का बटन न बंद करें वो ठीक है, लेकिन अगर PPE किट बंद पहन करके गाँव गाँव जाएंगे तो जो रिलैक्सेशन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कोरोना खत्म हो रहा है, वो एक डर थोड़ा सा बना रहेगा कि नहीं कोरोना गया नहीं है, और जब तक ये हल्का सा डर बना रहेगा तब तक वो ये दूरी मेंटेन करते रहेंगे और मास्क लगाते रहेंगे। आप सब करते हैं, मैं इसमें कोई नई बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, पर पहले उतना नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा बहुओं और ये जो आपके मेले चले थे, स्वास्थ्य मेले बहुत ऐतिहासिक रूप से सफल स्वास्थ्य मेले थे, मैं उनमें स्वयं प्रति रविवार में खुद बैठता रहा हूँ, हर दिन मैंने अपनी बेटी के मरीज देखने का काम किया है, और मैंने देखा है कि आप लोग सचमुच जमीन से जुटे हुए लोग हैं, इसलिए इस अभियान को और बढ़ाए रखिए। कोरोना की चुनौती, हमने बहुत कुछ लड़ाई को जीता है, हम लड़ाई जीतने के अंतिम दौर में हैं, हमें विश्वास है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर यह बीमारी खत्म होने वाली है, 8 सितंबर के बाद ये बीमारी बहुत ठीक से घटने वाली है, और हम तो भारत को जल भला अब अंतिम दौर में ये लड़ाई पहुंची है। आप सब अपने शस्त्रों को कहीं ठंडा मत होने दें, उन्हें तराशते रहें और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करते रहें। ईश्वर से मेरी यही आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक से कोई नहीं है।
पहले भी पेंट रूम बढ़िया है। अच्छा वाह, कहाँ रहती है? सूरत भी लग रहा है पहन के स्मार्ट कर दो पहलो सबसे पहले उसको कपड़ा थोड़ी होता है पीछे से पीछे से मारने पहन के जाओगे तो तुम लोग का वैल्यू बढ़ा रहे उसका टोपी भी आता है टोपी भी बाद में आज 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान हम लोग प्रारंभ किए हैं। अब जानते हैं वैसे जेई AES और बाकी अन्य संचारी बीमारी रोकने के लिए एक अभियान चलेगा और इस पर सभी विभाग मिलकर काम करते हैं। हम लोग करीब 50-60 विभाग का भूमिका रहता है उस पर। वैसे तो अहम भूमिका तो स्वास्थ्य विभाग का है, इन लोग घर घर जा करके इसी बीमारी के बारे में समझाते हैं, फिर टीकाकरण लगाते हैं। उसके अलावा मछली पालन विभाग का गंबुजिया मछली डालना होता है, फिर जो सुकर पालन पालक का जो सुकर है उसको चेक करते हैं इंसेफेलाइटिस का, उसका फिर पशुपालन विभाग करते हैं, फिर कृषि विभाग माध्यम से चूहा मारने के लिए भी काम चलता है। इसी टाइप का अलग विभाग का, हर विभाग का अपने अपने टारगेट दी गई है। और इस साल आप देख रहे हैं बरसात भी पहले से है, हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बार हो सकता है इसी टाइप का संक्रमणीय बीमारी बढ़ सकता है और साथ साथ कोरोना का भी हमारा वो जंग लड़नी है, उसी के लिए भी उन लोगों को तैयार किए हैं। जो कितने आशा एन एम सबको PPE किट दिए हैं हम लोग, घर घर जा कर के इन लोग जो JEE AES के बारे में बताते हैं उसके साथ साथ कोरोना के बारे में भी बताते हैं, उसके कैसे बचाना है उसके बारे में बताते हैं।